वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कांग्रेस के लिए परिवार प्रथम है, प्रथम और आखिरी विलास भी अगर कोई है तो परिवार ही है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता ऐसी कांग्रेस जिसकी राजनीतिक ताकत ही शून्य हो गई हो उसकी जासूसी करके हम क्या करेंगे। श्रीमान राहुल गांधी जी खुद राजनीतिक रूप से शून्य है। अब आलू से सोना बनाने वाले व्यक्ति का फोन टैप करवा के हम क्या करेंगे। कांग्रेस खुद जासूसों से भरी हुई पार्टी है। विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका में के साथ में है और उन अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का शिकार जाने अनजाने में हो रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश किसी न किसी रूप में भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, भारत को किसी न किसी रूप में अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। याद करिए, जो अभी कुछ वर्ष पहले 2020 में प्रारंभ में अमेरिका के राष्ट्रपति की भारत विजिट के दौरान उनके दिल्ली पहुंचने के साथ ही दिल्ली के अंदर हुआ भीषण दंगा क्या एक साजिश का हिस्सा नहीं था। तमाम विपक्षी दलों के लोगों की संलिप्तता उस दंगे के साथ जोड़ करके नहीं देखी गई थी। कोरोना कालखंड के दौरान देश के कोविड प्रबंधन को WHO और दुनिया के देश सराह रहे थे, लेकिन भारत के अंदर विपक्ष एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहा था जैसे कि सरकार इन सभी चीजों से अनभिज्ञ है और महामारी से लोग मर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करने, भारत को अस्थिर करने के लिए जिन मंसूबों के साथ विपक्ष कार्य कर रहा है यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सम अनफाउंडेड एलिगेशन। नाउ दे से दैट दीज आर पोटेंशियल नंबर बट वी कैनॉट से वेदर द प्राइवेसी हैज बीन ब्रोकन और नॉट, व्हाट टाइप ऑफ जर्नलिज्म इट इज। सो बेसिकली Amnesty International and other international, certain international groups are hell-bound in defaming India's democracy and India's leadership. So I request Government of India to ban the functioning of Amnesty International within the country. I think they can give their device for forensic examination. Now Rahul Gandhi said that I have lost my device. So what is this? So if you have lost your device, then you should not do like this. So you have also lost your device. All your friends also lost their devices. So what is this? I am sure that Congress party should join hands with government in criticizing Amnesty International. They cannot defame our country like this at all the time. ये विषय संपूर्ण रूप से विभ्रांत करने के लिए देशवासियों को, जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतनी बड़ी पैंडेमिक सिचुएशन जिसको भारतवासी ने पहली बार मुकाबला किया है, और हमने इससे पहले इस टाइप की जब भी कोई पैंडेमिक हुआ है हमने देखा बड़े मात्रा में भूखमरी से लोगों का यहाँ मृत्यु हुई है, किंतु इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और देशवासियों का जो स्वतस्फूर्त था
जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था, आपने तब देखा पूरे देश एकजुट हुआ था और एक शुरुआत थी और हमारे अंदर मुकाबला करने का शक्ति उस दिन पूरे दुनिया ने देखा और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अपील पूरे देशवासियों ने मान लिया था। और उसके बाद लॉकडाउन, अनलॉक, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, ये सब आई है और पूरे देश आज प्रस्तुत हुए हैं। आपने देखा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आज देश का 2 गुना 3 गुना 4 गुना एक एक राज्य में डेवलप्ड हुई है। तो किसके कारण से? माननीय प्रधानमंत्री जी के सकारात्मक जो नीतियां है उसके कारण से हुई है। मौनसम सेशन शुरू हुई है, इसके एक दिन पहले फोन टैपिंग का एक संवाद आती है, अब उसको लेके आप सेशन नहीं चलने दे रहे हो। जब ये पेंडेमिक सिचुएशन में लोकसभा एवं राज्यसभा चलना सबसे बड़ा जरूरी है, पूरा विषय जनता के पहले जो जान है तो जहान, उसके विषय में बात करना चाहिए, जो हम कैसे मुकाबला करेंगे, क्या क्या करना चाहिए, थर्ड वेव आएंगे तो क्या होना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। चर्चा हो रहा है क्या? क्यों एडजमेंट मोशन बार बार लाया जा रहा है? बार बार क्यों हाउस को भंग करना पड़ रहा है? क्यों एडजोन करना पड़ रहा है? क्या फोन टेपिंग? अरे भाई, किसने किया है फोन टेपिंग? विरोध पक्षों द्वारा संसद शुरू था ये पहला पेगासस ने सॉफ्टवेयर फोन टेपिंग आ मुद्दों उछाड़वा विपक्ष की मानसिकता नो स्पष्ट पुरावो थाई छे। विदेशियों ना हथा बनी ने भारत की प्रतिष्ठा ने लूणो लगाड़वा माटे विरोध पक्ष अने कांग्रेस आ मुद्दों उछाड़ो छे। आ मुद्दों उछाड़नारी एजेंसीए पण एवुं नथी कीधुं के आमा जे काई डेटा छे ए डेटा नो उपयोग थयो छे, एने ए पण नथी कीधुं के आ जे फोन टेपिंग नो मामलो छे ए मामलामां एना आधारे ए बग जे थयुं होय तो एना पण एने कोई पुरावाओ आप्या नथी। અને સાથે સાથે 45 દેશ જ્યારે પેગાસસનો સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરે છે એની ચર્ચાય નથી કરતા,